कावड़ यात्रा को लेकर आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं और सरकार ऐसी पहली बार कर रही है कि कावड़ लाने वाले लोगों के लिए उनके उनकी तपस्या का ध्यान रख रही है और उन पर पुष्प वर्षा कर रही है और कौन कौन व्यक्ति नाम बदल कर उनको गलत भोजन दे सकते हैं इन बातों का भी ध्यान रख रही है। लेकिन दुख की बात यह है काफी लोग राजनीति कर रहे हैं इस बात पे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, कावड़ लाना एक तपस्या है और वहां से जल लेकर आना और पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ। हम सभी सनातनी जानते हैं कि शुद्धता और पवित्रता का कितना ध्यान हमारी पूजा पाठ में रखा जाता है और जब कोई व्यक्ति 150-200 किलोमीटर पैदल चलता है, नंगे पांव चलता है और वो गंगा जल लेकर आता है और शिव जी पर चढ़ाता है तो ये तपस्या है, कोई साधारण विषय नहीं है। एक शब्द बोल रहा हूं अपरस, कितने लोग ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं वो अपरस शब्द को जानते नहीं होंगे। हम लोगों की तपस्या में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का कि पवित्रता का। तो अच्छी बात है ना कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे भगवान के नाम का ठाकुर जी ढाबा, कृष्ण ढाबा और फलाना ढाबा ये खोल के बैठे हैं और पता चले बाद में वो कोई और है, क्योंकि उन लोगों की क्रियाएं अलग है भोजन करने की, हमारी क्रियाएं अलग है भोजन करने की। तो शुद्धता का पवित्रता का ध्यान रखना ही चाहिए, उन कावड़ियों की तपस्याओं में विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए। शंकर भगवान पर शुद्धता पवित्रता से जो जल आया है वही चढ़ना चाहिए और ये बहुत उचित ये बात है कि इस बात को सभी के लिए बताना पड़ेगा कि आप कौन है और बताना चाहिए। पहली बात तो अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों को आवश्यकता क्या पड़ी है कि वो ढाबा उस समय खोलें, या अगर हैं तो उन्हें लिखना चाहिए कि भैया आप हमारे बड़े भाई हो और आपकी शिव पूजा में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपकी मक्का मदीना में कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब मक्का जाते हैं आप लोग। तो जब मक्का जाने का ध्यान रख सकते हैं तो जो कावड़ लेके जल चढ़ाने जा रहे हैं शिव जी पे, वो शिव जी उन कावड़ियाओं की हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, रखना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, जो लोग राजनीति कर रहे हैं मेरा निवेदन है कि एक बार जाइए कावड़ लेकर आइए, पैदल चलिए 150-200 किलोमीटर तो आपको पता चलेगा कितना ध्यान रखना पड़ता है। कावड़ियाओं से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जो प्रसाद आपको पाना है वो हो सके तो पहला प्रयास ये करें अपने घर से लेके जाएं और जब वो संभव न हो तो आप जहां खा रहे हैं ठोक बजा के समझ लें, पता कर लें कि वो सनातनी व्यक्ति होना चाहिए, उसी का ढाबा होना चाहिए, वहीं से आपको भोजन करना चाहिए। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारत हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को जिन्होंने अपना नाम अपना काम दोनों पोस्टर पर लिखने के लिए कहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हर हर महादेव।